हेलो यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग। हमारे यूट्यूब चैनल में साई का बी ऑफिशियल में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों मेरा ब्लॉग स्टार्ट हो चुका है और सुबह के 7:30 बज रहे थे और ये ब्लॉग है संडे के दिन का। तो दोस्तों मुझे जाना था आज खेत, क्योंकि ना कुआँ से मतलब पानी हल्का फुल्का निकल रहा है, तो वही खेत में मतलब हमारे यहाँ का खेत है बंधिया है, उसी में मतलब जा रहा है। तो उसको ना बांधना है, क्योंकि वो ना दूसरे बंधिया में निकलते हुए जा रहा है और अभी बरसात बंद है। तो हम लोग सोच रहे थे मतलब उसमें दवाई डलवाने के लिए, तो उसको हम बंद करने जाएंगे। और मैं आज ना मतलब थोड़ा लेट उठी थी सोकर, क्योंकि संडे था, तो मैं सोची कि सुबह से उतना ज़्यादा काम रहेगा नहीं और कभी तो स्कूल जाएगी नहीं, उसको भी मतलब वो भी सो रही थी, उसको नहीं उठाए थे। तभी मैं घर बाहर झाड़ू लगा रही थी, मैं सबसे पहले आंगन का झाड़ू लगा लूँ, इसके बाद बाहर मतलब बैठ लगाना है। और मैं ना घर के कामों में लग गई थी, तब मतलब ये लोग जा रहे थे खेत, काव्य के पापा और कहीं भी जाना था, तो मैं सोची ठीक है मैं नहीं जाता हूँ खेत, तो आप लोग चले जाइए और उसको पानी दे देना, ताकि मतलब पानी दूसरे खेत में ना पहुँच पाए। नहीं तो मतलब ऐसा बांधना कि पानी एक ही जगह एक ही बंदी में टिका रहे, तो दवाई डालने मतलब फायदा थोड़ा रहेगा, उसमें दवाई डाल देते। तो ये लोग निकल चुके हैं खेत के लिए। तो दोस्तों हमारा वीडियो आप लोगों को कैसा लगता है आप लोग जरूर बताइएगा और बने रहिए हमारे वीडियो ब्लॉग में। दोस्तों ये लोग पहुंच चुके हैं खेत। तो देखिए अभी ना मतलब रोपा लगने के बाद आज ही मतलब संडे के दिन ही मतलब गए हुए थे देखने के लिए, तो कुछ इस प्रकार का मतलब दिख रहा है। और साथ में ना बाबू भी चला गया था, क्योंकि ना वो जब भी मतलब गाड़ी निकालते हैं बाइक निकालते हैं मतलब कहीं जाने के लिए ना, तो हमेशा मतलब पछताता है कि मैं भी जाऊँगा ऐसा करके, तो वो भी साथ में चला गया था। देखिए इधर अभी लगी हुई है मतलब बांधने के लिए, दूसरे मतलब दूसरी तरफ से पानी निकल रहा था, मेड़ हमारे यहाँ मतलब इसको मेड़ बोलते हैं, तो उसके नीचे से पानी जा रहा था ना, तो मतलब इसको बोल दी थी कि बांध देना ताकि दूसरे बंधे में ना जा पाए। तो वही इधर अभी मामा भांजे लगे हुए हैं इसको बांधने में। और दोस्तों मैं भी बोल रही थी मतलब जाने के लिए, लेकिन मैं इनको जैसे कि बताई हूँ कि कहीं जाना था, तो बोले थे कि वो कहीं जाना भी है और अभी तो मैं काम कर रही हूँ घर के, तो हम लोग ही चले जाते हैं, तुम तो बाद में जाना, नहीं तो हम लोग तीनों मतलब मैं काव्य बाबू तीनों चारों जाने वाले थे खेत में, क्योंकि संडे था तो काव्य बोली थी कि घूमने जाऊँगी मम्मी इसलिए। और दोस्तों खेत का मतलब ये नहीं होता कि मतलब कि बो दिए रोपा लगवा दिए तो बस हो गया, वो बड़ा हो जाएगा उग जाएगा मतलब कि,
पक जाएगा, उसको देखभाल भी करना पड़ता है और उसके साथ साथ ना निंदाई बुवाई मतलब निंदाना भी पड़ता है। जैसे अब ये देखिए इधर रोपा लगा हुआ है ना, तो इसके साथ साथ मतलब चारे उगेंगे, चारे यानी घास उगेंगे, तो उसको ना निकालना पड़ता है, निकलवाना पड़ता है, तब जाके मतलब बड़े होंगे। और मतलब इनको ना बच्चों की तरह अच्छे से सेवा करना पड़ता है ताकि ये अच्छे से मतलब फल बढ़ जाए, फिर इसके बाद अच्छे से अनाज उगे। और इधर बाबू सिंह ने मतलब बैठा हुआ था, देख रहा था कि ये लोग क्या कर रहे हैं। और इसके बाद अब खेत से मतलब चल दिए हैं और इनको अभी डलवाना था पेट्रोल, तो इसके बाद पेट्रोल डलवाने के बाद जाएंगे। तीन दिन से लगातार मैं इतना सारा कपड़ा धुली हूँ ना कि मैं खुद ही मतलब थक गई हूँ। बच्चों का खास बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। और एक कार्बे के लिए फोन, तो उसका ना मतलब दो तीन दिन में धुलना ही धुलना होता है। वो अभी छोटी भी है तो जाती है ना तो खेलती है, वो गंदा हो जाता है, मतलब ड्रेस गंदा कर लेती है। और अलग से ये हमारा छोटा सा बाबू, ये भी मतलब गंदा करता रहता है। दोस्तों मैंने दोनों बच्चों को नहलाई धुलाई, उसके बाद पूरा सारा कपड़ा धुली और मैंने भी नहाई थी क्योंकि मैं सोच रही थी सबसे पहले मैं इन दोनों को नहला के कपड़ा सुखाने को डाल दूँ छत में, क्योंकि जब तक सूखेगा तब तक मैंने थोड़ा सा घर का काम बर्तन पड़ा हुआ था उसको भी साफ करना था मेरे को, तो क्योंकि ना ज़्यादा इधर धूप ही नहीं किया रहा तो मैं सोची सबसे पहले कपड़ा ही धूप डाल देती हूँ, तब तक हल्का फुल्का मतलब सूखता रहेगा। तो दोस्तों जो भी मेरे यूट्यूबर हैं, मेरे ब्लॉग में आते हैं, मेरी वीडियो में आते हैं, मैं उन्हें तहे दिल से धन्यवाद बोलना चाहती हूँ। ऐसे ही अपना प्यार सबको बनाए रखिएगा। तो दोस्तों वीडियो को भी यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। अपने अपने परिवार का ख्याल रखें दोस्तों।